हेलो गाइस, मैं हूं कैफ फ्रॉम नॉइजटेक और ये है वन प्लस नॉर्ड सीई 3 लाइट। हम इस फोन को 7 से 8 दिन से यूज कर रहे हैं, एकदम प्रॉपर टेस्टिंग कर लिए हैं। इस वीडियो में मेरा पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस फोन के साथ। और यस, टाइटल अगर आप देखोगे तो मैंने टाइटल में लिखा कि हमने इस फोन को 10 से 11 दिन यूज किया है, क्योंकि अभी तो 8 दिन हो चुके हैं, 2 से 3 दिन इस वीडियो को एडिट होने में लगेंगे, मतलब एक प्रॉपर 10-11 दिन का एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर मुझे अगले 2-3 दिनों में और कोई प्रॉब्लम दिखती है और कोई चीज ऐसी दिखती है जो बताने लायक है, वो भी इस वीडियो में मैं पूरी कवर कर लूंगा। और एक छोटा सा नोट, थोड़ी सी हालत खराब है, सर्दी खांसी थोड़ी सी ज्यादा है, मेरी अगर थोड़ी सी एनर्जी कम लगे तो थोड़ा सा इस वीडियो में बेयर कर लेना, नेक्स्ट टाइम से पूरी एनर्जी के साथ वापस आएंगे। तो भाई, सबसे पहले बॉक्स के बारे में बात कर ली जाए। बॉक्स में आपको ऑफकोर्स आपका फोन मिल जाएगा, कुछ दस्तावेज मिल जाएंगे, सुपर बुक चार्जर मिल जाएगा 80 वॉट का, पर ये फोन 67 वॉट ही सपोर्ट करता है, एक केबल मिल जाएगी एंड एक ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाएगा। ट्रांसपेरेंट कवर काफी डिसेंट क्वालिटी का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल 8 दिन के यूजेज में ये बिल्कुल भी पीला नहीं पड़ा है। इस फोन का इन हैंड फील आपको काफी हद तक Realme 10 Pro के जैसा दिखेगा। आपको अच्छे तरह से बॉक्सी साइड्स मिल जाते हैं, बट ये पूरा फोन आपको प्लास्टिक का बना मिलेगा, कहीं पर भी कुछ भी ग्लास नहीं यूज किया, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स इसका डिस्प्ले। 195 ग्राम्स के आसपास का इसका वेट है। मुझे एक छोटा सा कंप्लेन है, ये जो बैक है ये ग्लॉसी है। सबसे पहले इसमें फिंगरप्रिंट बहुत ज्यादा आते हैं एंड बहुत ज्यादा खराब दिखते हैं। बैक पे स्क्रैचेस काफी जल्दी आ सकते हैं क्योंकि ये ग्लास्टिक है, एक तो ना ही ग्लास है ना ही प्योर प्लास्टिक है। आई वुड रिकमेंड केस के साथ यूज करो, थोड़ा सा ज्यादा सेफ रहेगा ये फोन आपका। थोड़े से बॉक्सी कॉर्नर्स होने के कारण थोड़ा सा फोन आप अच्छे से हाथ में पकड़ के रख सकते हो। पावर बटन आपको राइट साइड पे मिल जाएगा, जिसके अंदर ही आपको फिंगरप्रिंट का स्कैनर मिल जाएगा, काफी अच्छा काम कर लेता है। बस ये लॉक बटन के ऊपर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इससे मेरी एक कंप्लेन रहती है, जब भी आप फोन को जेब से निकालने जाओ या फोन पकड़ रहे हो, कंटिन्यूस यहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स लेता रहेगा। इसका एक ऑप्शन भी रहता है कि आप टच पे बंद कर सकते हो फिंगरप्रिंट स्कैनर को, एंड जब आप प्रेस करोगे उसके बाद ही काम करेगा, बट वो यार थोड़ा सा स्लो फील करता है, ऐसा लगता है फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत स्लो काम कर रहा है, इसके लिए मैं उसको टच पे रखता हूँ। एक चीज अच्छी है, एक चीज हम बोल सकते हैं बुरी है उसके बारे में। उसके बाद लेफ्ट साइड पे आपको वॉल्यूम बटन मिल जाते हैं, आपकी सिम ट्रे मिल जाएगी, डुअल सिम ट्रे, साथ ही साथ यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। ऊपर आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाएगा, नीचे आप देखोगे टाइप सी का पोर्ट 3.5 mm जैक, आपका मेन माइक्रोफोन एंड स्पीकर मिल जाता है, एक और स्पीकर आपको ऊपर ईयरपीस में मिल जाएगा। नीचे का ये जो USB-C पोर्ट मिलता है, ये एक्चुअल में USB 2.0 वाला पोर्ट मिलता है। स्पीकर की बात कर ली जाए, नीचे आपका मेन स्पीकर है, ऊपर ईयरपीस के अंदर भी स्पीकर मिलता है, प्रॉपर स्टेरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, अच्छा खासा लाउड है, थोड़ी सी बेस की कमी लगी मुझे, बट लाउड अच्छा चले जाता है। 200% एब्सोल्यूट वॉल्यूम है भाई यहाँ पे, 200%। इसके बाद अगर मैं हैप्टिक्स की बात करूँ तो डिसेंट हैप्टिक्स है, कीबोर्ड में टाइपिंग के टाइम एक बहुत ज्यादा मेजर फीडबैक नहीं, एक बहुत ही सटल सा हल्का सा फीडबैक मिलता है आपको। जेब के अंदर वाइब्रेट होता ना ये फोन, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पता चल जाता है, बट अगर आप थोड़ा सा मूवमेंट कर रहे हो, एक जगह बैठे नहीं हो, जैसे चल रहे हो, थोड़ा सा रनिंग कर रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, उस टाइम पे पता नहीं चलता कि फोन में जेब बज रहा है। उसके बाद एक चीज जो मुझे बुरी लगी, इस फोन में आपको अलर्ट स्लाइडर नहीं दिया। मैं मानता हूँ 20,000 का फोन है, बट मेरे हिसाब से ये OnePlus की पहचान थी भाई। OnePlus का ये एक वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था, अगर हम कोई दूसरे एंड्रॉइड फोन से कंपेयर करें तो। दूसरा, पीछे का भाई जो कैमरा लेंसेज है, अच्छे खासे बड़े बड़े दिए गए, काफी बड़े बड़े कैमरा लेंसेज है, थोड़े बहुत Realme 10 Pro से रिजेंबल करते हैं, 10 Pro छोटा वाला। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है, ऊपर आपका 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, एंड नीचे में एक कटआउट के अंदर आपको दो छोटी छोटी 2-2 मेगापिक्सल के लेंस दी, पता नहीं क्यों दी, आगे मैं बताऊंगा। उसी बाद एक चीज मैंने नोट की, भाई इसका फ्लैशलाइट का मॉड्यूल बहुत बड़ा है। मैंने जब अपने iPhone 13 Pro Max से भी कंपेयर किया ना, उसके सामने भी ये काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था। ऐसे कोई इंटेंसिटी में फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट वैसा ही काम करता है जैसा हर बजट फोन काम करता है, पता नहीं साइज इतना बड़ा क्यों कर दिया। पीछे के एक प्लास्टिक से मुझे एक और छोटी सी कंप्लेन है, यहाँ पे डस्ट कलेक्शन बहुत ज्यादा होता है, ग्लास के ऊपर कैमरा मॉड्यूल के आजू बाजू बहुत ज्यादा कचरा जमा होता है। आप अगर कवर निकालोगे तो आपको 100% शॉर्ट हर 2 दिन में तीसरे दिन इसको साफ करना ही पड़ेगा। शुरुआत में मेरे पास जब ये फोन आया था, मुझे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब मेरा कभी कभी ये फोन टच रजिस्टर नहीं कर रहा था। जब मैं एकदम सॉफ्ट टच, मतलब ऐसे टुक करके टच कर दिया, ऐसे जोर से टच किया तो ऑफकोर्स रजिस्टर कर लेता था, पर सॉफ्ट टचेस प्रॉपरली रजिस्टर नहीं हो पा रहे थे। पर उसके बाद एक अपडेट आया जिसके बाद ये इशू काफी हद तक सॉल्व कर दिया, अब कोई प्रॉब्लम मुझे ऐसे नहीं लग रहा है। इसका जो डिस्प्ले है आपको पूरा फ्लैट पहले तो मिलता है, दूसरा ये एक 6.72 इंचेस का डिस्प्ले, फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज पैनल है, पर ये एक IPS LCD है। यहाँ पे टच सैम्पलिंग रेट की बात करो, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, जो गेमिंग में आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। मेरे हिसाब से थोड़ा और बेटर टच सैम्पलिंग रेट हो सकता था। OnePlus की गलती से थोड़ी सी ये हुई मेरे हिसाब से, अगर यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले रहता था, ये काफी हद तक IQOO Z7 जैसे फोन से जो AMOLED दे रहा है इस प्राइस ब्रैकेट में विद अ बेटर प्रोसेसर, उसके साथ कई हद तक कम्पीट कर पाता था। वहाँ पे आपको Dimensity 920 मिलता है, यहाँ पे 695 मिलता है। 920 थोड़ा सा बेटर चिप है, थोड़ा सा पावर एफिशिएंट है, थोड़ा सा बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस में, हर चीज में हल्का फुल्का आगे चला जाता है। पर अगर इसमें AMOLED
जाता था। जो भाई वन प्लस लवर्स है वो बेसिकली इस फोन को पिक करते थे, एमोलेड ना होने के कारण थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपीरियंस कॉम्प्रोमाइज हो गया। उसी के साथ आईक्यू G7 जैसे में आपको 1300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, यहाँ पे वन प्लस ने दी आपको 680 निट्स की ब्राइटनेस। आप यहाँ पे फोन पे टाइम देख सकते हो, सुबह के 7:15 बज रहे हैं, एकदम ज्यादा हार्श सनलाइट नहीं है एंड उसमें भी ये डिस्प्ले फिलहाल एकदम तो क्लियरली विजिबल है। एंड जब थोड़ी सी धूप रहती भी है वहां पे भी आपको मेरे हिसाब से ब्राइटनेस रिलेटेड कंसर्न नहीं होना चाहिए, आउटडोर में ये फोन काफी हद तक विजिबल रहता है। IPS डिस्प्ले के हिसाब से बात करो तो ये डिसेंट कलर्स प्रोड्यूस कर लेता है, हल्का फुल्का ऐसे डीप ब्लैक जहाँ पे आते हैं वहाँ पे ऐसा आपको ग्रेस फील होगा। बहुत ही कम टाइम पे ऐसा होता है जब एकदम अंधेरे में आप कोई वीडियो देख लो। एंड यस, यहाँ पे कोई HDR सपोर्ट नहीं है। HDR सपोर्ट भी एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे ऐसा लगता है अगर OnePlus ने दिया रहता था थोड़ा सा कॉम्पिटिशन से आगे आ जाता था। तो भाई आपको अगर हमारी ऐसी प्रॉपर 8 से 10 दिन 12 दिन टेस्टिंग वाली वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में ये जरूर बताना आपको ये फोन कैसा लगा, या फिर आप अगर चाहते हो कि हम कोई फोन रिव्यू करें उसका भी आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हो। 15 से 20 हजार की रेंज में आजकल आपको मिल जा रहा है Snapdragon 695, वही चिप आपको इसमें भी मिल रहा है। 8GB की LPDDR4X RAM, 128GB की UFS 2.2 स्टोरेज एंड 8GB की RAM के साथ ऊपर आपको 8+ GB और एक्सपेंशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं कंपेयर करूँ इसका परफॉर्मेंस, अभी जो पोको का X5 आया था वहाँ पे परफॉर्मेंस की बात की थी मैंने, काफी ज्यादा खराब था वहाँ पे क्योंकि ब्लोटवेयर बहुत था। इस फोन में ब्लोटवेयर कम है जिसके कारण परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। स्नैपी फोन है, 120 हर्ट्ज पे अच्छा चलता है, बट एक चीज मैंने देखी, मोस्ट ऑफ द एप्स 120 हर्ट्ज पे काम नहीं करते। अब मैंने डेवलपर ऑप्शन से ये 120 हर्ट्ज का ऑप्शन ऑन कर दिया था एंड अब मैं जब ये फोन को यूज करता हूँ, जैसे होम स्क्रीन पर हूँ वहाँ पे 120 हर्ट्ज है, UI में स्क्रॉल कर रहा हूँ 120 हर्ट्ज है, पर मोस्ट ऑफ द एप्स फिलहाल 120 हर्ट्ज सपोर्ट करते नहीं है। व्हाट्सएप भी नहीं करता है 90 हर्ट्ज के ऊपर। अगर यहाँ पे थोड़ा सा बेंचमार्क्स की बात करूँ तो डिसेंट बेंचमार्क्स को जाते हैं 4,05,000 4,06,000 के आसपास Antutu मिल जाएगा आपको, 900 के आसपास आपको सिंगल स्कोर Geekbench पे मिलेगा, 2100 के आसपास आपको मल्टी कोर स्कोर मिलेगा। ये एक डिसेंट चिप है, मतलब इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आपका काम निकल जाएगा, अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देगा, इतना कोई मेजर इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम इस चिप को आता है पहले तो गेमिंग में एंड दूसरा प्रॉब्लम आता है कैमरा में। गेमिंग की पहले बात कर ली जाए, यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस मुझे डिसेंट लगा, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा। मैं जब उसको 90 FPS गेमिंग भी कर रहा था ना वहाँ पे मैंने देखा ये फोन 90 FPS पूरा नहीं दे पा रहा था, 60, 70, 75 ऐसे FPS पे चल रहा था, जो एक डिसेंट गेमिंग एक्सपीरियंस है। उसी के साथ गेमिंग के टाइम थोड़ा सा ऐसा होता है कि ये स्पीकर दब जाता है आपके हाथों से, ये ऑफ कोर्स हर फोन में हमें देखने मिलता है, यार थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगा। बाकी मुझे ऐसा लगा एक डिसेंट गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, हल्का फुल्का हीट होता है बट नॉर्मल यूजेज में मैंने यहाँ पे ज्यादा कोई हीटिंग नहीं दिखी, हल्की फुल्की वार्मनेस दिखी थी जब मैं थोड़ा सा हैवी यूज कर रहा था, बाकी मुझे ऐसी कोई बहुत ज्यादा हीटिंग देखने नहीं मिली। अब बात किया जाए इसका दूसरा कॉम्प्रोमाइज, 2 कैमरा मॉड्यूल दिए जिसके अंदर 3 कैमरा लेंस है बट एक्चुअल में एक सिंगल कैमरा फोन है। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, बाकी तो 2-2 मेगापिक्सल के चिल्लर सेंसर है जिनकी मुझे क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी। वहाँ पे कहीं ना कहीं शार्पनेस की कमी है, डिटेल्स की कमी है, थोड़ी सी भी लाइट कम हो गई तो वहाँ पे कचरा फोटोज हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है क्वालिटी में। मेन कैमरा की बात करूँ तो भाई ये डे लाइट में अच्छी फोटोज ले लेता है, क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, शार्पनेस मिलेगी, डिसेंट डायनामिक रेंज मिलेगी। यहाँ पे मैंने ये देखा बहुत ज्यादा कलर बूस्टिंग भी होती है जो जनरली आपको इस प्राइस ब्रैकेट में फोन में देखने मिलती है। यहाँ पे कलर्स को काफी हद तक न्यूट्रल रखा गया है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा पॉप ऐड करते थे तो भाई इंडियन पब्लिक को थोड़ा सा ज्यादा पसंद आता था, हल्की फुल्की एडिटिंग करना पड़ेगा आपको, नहीं तो रॉ फोटोज डिसेंट है अगर आप डे लाइट में ले रहे हो। तो भाई OnePlus का कहना है कि यहाँ पे आपको 3x लॉसलेस जूम मिल जाता है। मैं आपको इसकी एक्चुअल सच्चाई बताता हूँ, तो अभी आप देखोगे ये हमने ली 1x वाली फोटो, अब ये लेंगे हम 3x की फोटो। अब इस 3x की फोटो पर हम वापस जाते हैं तो हमें कुछ ऐसी क्वालिटी मिलती है एंड पिछली वाली 1x की फोटो ये क्वालिटी। आप यहाँ पे ग्रीन कलर्स देखो इस झाड़ के, आपको ये एक्चुअल ग्रीन कलर्स जैसे दिख रहे हैं वैसे ही ग्रीन कलर्स आपको इस डिस्प्ले में काफी हद तक दिखेंगे, बट ये एक्चुअल क्या आपको लॉसलेस क्वालिटी लग रही है? आपको मैं स्क्रीन पे दोनों फोटोज दिखा दूंगा कि एक्चुअल में ये एक सिर्फ मार्केटिंग गिमिक बोल सकते हैं या लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बोल सकते हैं कि 1x 3x में आपको इक्वल सेम क्वालिटी, जमीन आसमान का फर्क है भाई क्वालिटी में। पहली बात तो ग्रीन का ग्रीन दिख नहीं रहा है, ऐसा लग रहा पूरा फेडेड कलर है, लाइट ग्रीन बना दिया डार्क ग्रीन को। उसी बात लो लाइट फोटोज में ये फोन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, पहले तो OIS नहीं है जिसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे फोटोज कॉम्प्रोमाइज आती है, नाइट मोड इतना ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा जितना करना चाहिए, नॉइज यहाँ पे फोटोज में देखने काफी ज्यादा मिल जाती है। उसके बाद पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे डिसेंट काम कर लेता है, एज डिटेक्शन का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होता ही है, हल्का फुल्का कभी कभी आसमान का डायनामिक रेंज गड़बड़ हो जाता है, हल्का फुल्का कभी कभी। उसके बाद अगर मेन कैमरा की बात करो यहाँ पे 1080p 30 FPS आप रिकॉर्ड कर सकते हो, यहाँ पे डिसेंट वीडियो रिकॉर्ड होगी, OIS ना होने के कारण वीडियोज में शेक मिलेगा। अगर आप एक स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करो तो प्रॉब्लम नहीं है, पर चलते फिरता थोड़ा करने को देख रहे हो वहाँ पे क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज मिलेगा। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है जो डिसेंट सेल्फीज ले लेता है, यहाँ पे भी कभी कभी डायनामिक रेंज का प्रॉब्लम होता है, पोर्ट्रेट मोड ले रहे हो
पीछे आसमान को पूरा सफेद कर देता है। नॉर्मल फोटोज में स्किन टोन्स डिसेंट आ जाती है, पर भी मेरे हिसाब से टोटल अगर मैं ओवरऑल कैमरा सेटअप की बात करूं तो मुझे एक थोड़ा सा एवरेज कैमरा सेटअप लगा, इससे बेटर कैमरा आपको मिल जाएगा। एक चीज मुझे वन प्लस की यहाँ पे अच्छी लगी, एंड्रॉइड 13 के साथ इस फोन को शिप किया, ऑक्सीजन ओएस 13.1 दिया। हाँ ये कलर ओएस है, इस चीज पे तो कोई शक नहीं है भाई, कलर ओएस के पूरे फीचर्स है यहाँ पे, आपके आइकन सब कुछ कलर ओएस जैसा दे दिया, पर यहाँ पे ब्लोटवेयर काफी ज्यादा कम दिया, मतलब एक आध ऐप ही मुझे दिखा ऐसे लगा, वो भी कोई मेजर नहीं था। Xiaomi जैसा भर भर के ब्लोटवेयर देता है, Realme जैसा आपको ब्लोटवेयर देता है, वैसे OnePlus यहाँ पे आपको ब्लोटवेयर नहीं दे रहा है, एक क्लीनर एक्सपीरियंस थोड़ा सा दे रहा है। हाँ यहाँ पे अगर इसका UI की बात करो तो Oppo जैसा कलर ओएस जैसा दिखता है, Realme UI भी वो भी कलर ओएस पे बेस्ड है, वो भी काफी हद तक वैसा ही दिखता है, पर वहाँ पे ब्लोटवेयर मिल जाता है, यहाँ पे ब्लोटवेयर नहीं मिलता है, जिसके कारण परफॉर्मेंस जैसे मैंने आपको बताया काफी हद तक मुझे पसंद आया है यहाँ पे। आपको यहाँ पे 2 साल के मेजर अपडेट्स, एंड्रॉइड 13 है, ये फोन 15 तक जाएगा, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से बजट में आपको इतना ही मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। इस फोन की बैटरी लाइफ से मैं काफी इंप्रेस्ड हूँ, 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाएगी, एंड मेरे यूजेज पे अगर मैं बात करूँ तो मैं आराम से इसको 1.5 दिन निकाल पा रहा हूँ, जहाँ पे मुझे 5-5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है, एंड 20-25% बैटरी और बचती है, मतलब और 1-1.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम, 6-6.5 घंटे ही आपको स्क्रीन ऑन टाइम बहुत इजीली दे देगा। एक चीज जो मुझे थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगी है वो है स्टैंड बाय टाइम। मेरा अगर आप स्क्रीनशॉट्स देखोगे तो मैंने ऑलमोस्ट 1 दिन + 12 घंटे 36 आवर्स यूज किया, जिसमें से स्क्रीन ऑन टाइम सिर्फ 4-4.5 घंटे का था, बाकी के 30-32 आवर्स यहाँ पे स्टैंड बाय पे थे। डेफिनेटली ये चीज मुझे अच्छी लगी कि OnePlus ने यहाँ पे बैटरी थोड़ी सी ऑप्टिमाइज रखी है, यहाँ पे बैटरी ड्रेन नहीं होता है। अगर मैं बैटरी का थोड़ा सा हैवी यूजेज की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे इजिली 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम फिर भी मिल गया, एंड 7% बैटरी बची थी, एंड आप मेरे स्क्रीनशॉट में देख सकते हो 23 आवर 28 मिनट पहले, मतलब ऑलमोस्ट 24 घंटे पहले मैंने इसको फुल चार्ज किया था। अब उस 7% से मैंने इस फोन को चार्ज पे लगाया, प्रॉपर मुझे यहाँ पे 50 मिनट लगे इस फोन को 7% से 98% पे चार्ज करने में, मतलब आप 1 घंटे में यहाँ पे फुल चार्ज एक्सपेक्ट कर सकते हो विद दैट 67 वॉट चार्जर। एक्चुअली 80 वॉट का चार्जर है, ये सपोर्ट 67 वॉट ही करता है। उसी के बाद OnePlus ने एक और यहाँ पे बैटरी हेल्थ वाला ऑप्शन दिया है, जो आजकल OnePlus ऑक्सीजन ओएस 13 में दे रहा है। ये बेसिकली iOS का एक फीचर है, जहाँ पे आपको आपके फोन की बैटरी हेल्थ दिखते रहेगी, 1-2 साल बाद आपको समझ में आ जाएगा फास्ट चार्जिंग क्या आपकी बैटरी को बिगाड़ रही है। ये एक अच्छा फीचर है, एंड मेरे हिसाब से बाकी एंड्रॉइड में भी आना चाहिए। तो भाई OnePlus ने इस फोन का प्राइस रखा है 20,000 रुपए। शुरुआत में प्री ऑर्डर में भाई काफी अच्छे ऑफर्स थे, नॉट बड्स 2 फ्री में मिल रहे थे, वो हमने मिस आउट कर दिया। ICICI का कार्ड ऑफर भी था, जहाँ पे 1,000 रुपए ऑफ मिल रहे थे। अगर ये सब आप मिस कर गए हो, अब ये फोन आपको मिलेगा 20,000 रुपए में 8/128 वाला वेरियंट। अगर आप एक OnePlus फैन हो, आपको OnePlus का फोन ही चाहिए, या एक थोड़ा सा ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस चाहिए, देन आप इस फोन को देख सकते हो। आपके पास फिर भी Motorola के कुछ ऑप्शन है, जहाँ आपको ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस भी मिलता है। मेरे हिसाब से iQOO का Z7 भी एक अच्छा ऑप्शन है, वहाँ थोड़ा सा ब्लोटवेयर मिलेगा, वहाँ आपको थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, ऑलमोस्ट इतनी ही अच्छी बैटरी लाइफ मिलेगी, एंड एक मच बेटर डिस्प्ले, एंड साथ ही साथ Realme 10 Pro इस फोन का ऑलमोस्ट हमसकल जुड़वा भाई है, तो दोनों में सिर्फ आपको थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर का फर्क मिलेगा, बाकी इतना कोई खास फर्क नहीं है। एंड ये सारे फोन की लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।